मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। पिछले लॉकडाउन की तल्ख यादें अभी हमारे जहन से ओझल भी नहीं होने पाई थी। तबाही के वो मनाजिर जो हमने सड़कों पर, मोहल्लों में, गलियों में देखे थे, अभी उसके भयानक मनाजिर हमारी नज़रों में घूम रहे हैं कि एक मर्तबा फिर लॉकडाउन के इस मरहले से पूरे मुल्क को गुजारा जा रहा है। जिस तरह पहले मरहले में मसाजिद को बंद कर दिया गया था, इबादतगाहों को बंद कर दिया गया था, इस मर्तबा फिर इबादतगाहों पर पाबंदी लगा दी गई है और उनको बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसकी वजह से मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है और मुसलमानों में ही क्या, हर तबके में, हर धर्म के लोग में ये बेचैनी पाई जा रही है, जिसकी वजह से जगह जगह एहतजाज भी हो रहे हैं, लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। और ख़ास तौर से हमने पिछले लॉकडाउन में मस्जिद के अंदर जो भी गाइडलाइन जारी की गई थी उस पर मुकम्मल अमल किया था। इसी तरह हमने ये मुतालबा किया मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और मुलाकातों के ज़रिए ये मुतालबा किया हुकूमत से कि आप गाइडलाइन जारी कीजिए, नमाज को बंद मत कीजिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना साल में एक मर्तबा आता है, तरावी की नमाज एक मर्तबा साल में मुसलमान पढ़ता है, हमें इससे महरूम न कीजिए। लेकिन जब हमारी कोई बात नहीं सुनी गई तो हमारे सामने एक ही रास्ता नज़र आया कि हम अपने इस मसले को हाई कोर्ट में ले जाएं। इसलिए हमने हाई कोर्ट में एक पटीशन दाखिल की है जिसमें बुनियादी तौर से दो बातें हमने कोर्ट से कही हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह पहले हमने मस्जिद में गाइडलाइन की पूरी पाबंदी के साथ नमाजें साल भर पढ़ी हैं, इसी तरह इस मौके पर भी कोई गाइडलाइन जारी की जाए, हम उसकी पाबंदी करते हुए मस्जिद में नमाजें पढ़ेंगे और उसकी खिलाफ वर्दी हरगिज नहीं होगी। लेकिन हमें नमाज पढ़ने से न रोका जाए, मस्जिदों को खुला रखा जाए। और दूसरा मुतालबा हमने ये किया है कि रात का जो कर्फ्यू शाम 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक लगाया जाता है, उसे वक्त में तब्दील कर दी जाए और इस तरह कि रात में 10 बजे से ये कर्फ्यू लगाया जाए और सुबह में 8 बजे तक या 9 बजे तक जितना मुनासिब समझा जाए वहां तक बढ़ा दिया जाए। और उसके साथ साथ जो छोटे कारोबारी हैं, जो रोजाना कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, उनकी उनको दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए और उनके लिए भी गाइडलाइन मुकर्रर की दी जाए और उन पर सख्ती से अमल करवाया जाए। हमने कोर्ट में ये पटीशन दाखिल की है और हमें उम्मीद है कि कोर्ट इस सिलसिले में हमारी बात सुनेगी और कोई अच्छा फैसला सामने आएगा।